रांची एयरपोर्ट पर गुप्त सूचना के आधार पर कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया। एयरपोर्ट पर मानव तस्करी कर बच्चों को ले जाने की सूचना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने कुल 15 बच्चों का रेस्क्यू किया। साथ में इन्हें ले जा रहे एक दंपति और उनके बच्चों को लेकर टीम कोतवाली थाने पहुंची। रेस्क्यू किए गए कुल 15 बच्चों में 11 नाबालिग और 4 बालिग है। इनके अलावा बच्चों को ले जा रहे दंपति के 3 बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को ले जा रहा राजीव गंजू लातेहार के चंदवा का रहने वाला है और सभी बच्चे भी वहीं के बताए जा रहे हैं। मिली सूचना के मुताबिक सभी बच्चों को फ्लाइट से जम्मू ले जाने की योजना थी। एयरपोर्ट से कुल 20 लोगों को कोतवाली थाना परिसर में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है लाया गया है। तो इसमें जांच में पता चला है कि कोई राजू गंजू नाम का चंदवा निवासी कोई व्यक्ति था जो इनको एयरपोर्ट इनको कहीं ले जा रहा था। तो उसी क्रम में ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में FIR IPC एवं JJ एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। कुल अभी 20 लोगों को यहाँ लाया गया था, तो यहाँ पूछताछ के क्रम में पता चला एक राजू गंजू जो स्वयं इनको लेके जा रहा था, जो इनका नेतृत्व करता है, इस मामले में अभियुक्त होगा। इनकी एक पत्नी इनके साथ थी और इनके खुद के 3 बच्चे, अभी साँच में आया कि इनके खुद के तीन बच्चे भी इनके साथ थे। इसके अलावा कुल 15 बच्चों को ये लेके जा रहे थे, जिसमें 11 बच्चे अभी आरंभिक जांच में नाबालिग मिले हैं, 4 बच्चे बालिग। बच्चों से पूछा गया कि इनको कहाँ ले जा रहा है, तो इन बच्चों को गंतव्य स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं था, तभी शक हुआ और तभी मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रतीत हुआ।